वैष्णवभ्यो नमो नमः नवमहावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायति कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि ख्रिष्ना गौरतिश्री नमः जयरूपासनातन् ଭଟ୍ଟ ରଘୁଣା ଶ୍ରୀଜୀବୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଦାସର ଘୁଣାତ୍ ଏଥୟ ଗୋସାଁ କରି ଚରଣବନ୍ଧନ୍ ଯାଅତେ ବିଘ୍ନନାଶ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୁରନ୍ ଗୁରବୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାଧିକା ଓ ତଦା ଲ कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः महाभावस्वरूपतं कृष्णप्रिया वर्यसी परमभक्तिप्रदेवी राधिकेतां नमामहं राधिवृन्दावनाधीशि करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यङ्मयम्प्रदीयतां वन्दीनन्दावृधिस्त्रीणां पादरनुमभीक्ष्ण स जशांहरीकथोद्गीतं पुनातिभुवनत्रयं जय श्रीकृष्णचैतन्य दयाल्प्रभुनित्यानन्द সিয়দ্বৈত গদাধর শিবা সদি শ্রী গৌরভক্তবৃন্দ হরি কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ 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 হরি হরি হরে রাম হরে রাম 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 হরি হরি বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কী জয় গুরু পরম্প কী জয় अनंत अनंत वैष्णव वृंद की जय सपार्षद गौधरी की जय नित्यानंद प्रभु की जय जगन्नाथ बलदीप सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय भक्त विघ्न विनाश शंकर नृसिहदेव की जय भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय सर्वाभीष्ट प्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय राधा दामोदर जीव की जय दामोदर पद भक्तबिंद की जय जय व्रदवासी भक्तबिंद की जय मधीश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धरानी की जय जय ब्रजदेवीगण की जय समित गौर भक्तबिंद की जय गौर प्रमानंदी हरी <coughs> শ্রী শ্রীমাদ দামোদর অষ্টকম সত্যব্রত মুনি সনাতন গোস্বামী গুরুবর্গ এবং অল ভক্ত ব্রজবাসী বৈষ্ণব বৈষ্ণব আমলগনে শুনা সত্যব্রত মুনি প্রার্থনা করম রাধিকা হই তদীয় প্রিয়া ওই নম অনন্ত লীলা দেবায় তুভম कहते हैं कि मैं रानी को प्रणाम करता हूँ और तदीय उनके जो प्रिय है आ, या जिस जिसके प्रिय हैं उनके साथ ही वो कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ तो यहाँ जो फिर कहा अनंत अनंतल्या देवाय भम मैं अब जो अनंत लीला है उसको भी मैं दिव्य है अलौकिक है मैं उसको प्रणाम करता हूँ तो उसमें ये उन्होंने कंडीशन रख दिया नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यम जो अलौकिक है उसको प्रणाम करता हूँ लौकिक को नहीं अर्थात भगवान की लीला एक नैमित्तिक है एक नित्य है नित्य लीला भगवान के नित्य पार्षदों के साथ परिकारों के साथ जो उनके लीलाएँ हैं वो तो नित्य लीला है आज जैसे असुर आदि हाँ इन लोगों के साथ जो खनकाल के लिए उनका लीलाएँ होती है वो नौमित्तिक है वो नित्य नहीं है अर्थात इन नौमित्तिक लीलाओं को यदि स्मरण कोई करे कीर्तन करे तो उसके द्वारा भगवान के पार्ष्व या परिकरों के साथ उनका संबंध नहीं हो सकता है जैसे किसी एक समय हाँ, पंच पांडव पहुंच गए वनवास में तो रात को माता कुंती और चारों भाई अर्जुन भी दुर्योधन युधिष्ठिर नकुल सहदेव सो रहे हैं और भीम पहारा दे रहे हैं उस समय एक दानव राक्षस उसने देखा ओ बड़े सुंदर सुंदर युवक अब बलवान यहाँ पर शुरू हैं जंगलों में तो बहुत दिन तक मेरे को ताज़ा भोजन नहीं मिला आ, पुराने सूखे हुए सड़े हुए गले हुए खाना पड़ता है किंतु आज ताज़ा भोजन मिल गया तो वो आक्रमण किया इधर भीम ने ओ, उनके साथ संघर्ष शुरू कर दी देखा यदि मैं यहाँ लड़ता हूँ तो मेरा भाई लोग जग जाएंगे माँ जग जाएंगे ऐसे थोड़ा दूरी में जाकर के उससे खूब लड़ने लगा किंतु कितना लड़ा उनको हरा नहीं सकते वो दानव राक्षस बहुत भयानक और इधर भीम भी कम नहीं तो उस समय वो दानव राक्षस के बहन उसका नाम था हिड़िम्बा वो भीम को देख करके ऐसे आकर्षित हो गए कि इसको मारना नहीं है खाना नहीं है इसको तो मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी इसको मैं भोग करूंगी एक दिन खाने से क्या होता है एक दिन खा लो तो ख़त्म हो जाएगा रोज़ खाऊंगी रोज़ भोग करूंगी इसे मारूंगी नहीं मारने नहीं दूंगी मेरे भाई को भाई को भले ही मारवा दूंगी किंतु मैं भीम को नहीं मारने दूंगी इससे वो माया भी है तंत्र मंत्र तो जानती है बहुत तांत्रिक माया रचा करके पीछे से भीम को हैं दूर दूर से इशारा देने लग गए ऐसे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और मेरे भाई को मार डालो किंतु मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं अब भीम उसके सहारा लेकर के और राक्षस को तो मारा उसके भाई को इतने में और चारों जग गए हैं कि क्या हो रहा है माँ भी जग गई तो उस समय वो हिड़िबा आ गई आकर के बोले मैं आपको चाहती हूँ आपसे मेरा विवाह करना है और मेरे साथ चलो बोले मेरे बड़े भाई है छोटे हैं माँ है मैं उनके बिना पूछे कैसे कुछ कर सकता हूँ पर ठीक है मैं माँ के पास जा रही हूँ वो कुंती के पास आ गई आकर बोलते हैं माँ मेरे भाई तुम सबको मार के खा जाते और भीम को भी मार देते किंतु मैंने भीम को अपने पोते के रूप में वरण कर लिया और जब वरण कर लिया तब मैं अपने भाई को मार डाला है और तुम लोगों को रक्षा कर ली अब तुम मुझे आदेश दे दो भीम मेरे पति हो जाए मेरे साथ चले मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ और वो कुंती माता देखती है बड़ा विपद है क्या करें अब ये वन में और मेरा पांच बेटे हैं और ये चले चला जाएगा किंतु कोई उपाय नहीं उनने कृष्ण के पास प्रार्थना की विपत्ति में आपत्ति में संपत्ति में जब प्रभु का स्मरण नहीं करता तो सारा कौन देगा? जब उनको स्मरण किया कृष्ण ने बोला हाँ कर दी कर दो शादी अभी विदा कर दो किंतु एक कंडीशन रख देना तो भीम को आकर के बोल दिया देख जाएगी तो जाएगा तो इसके साथ किंतु एक कंडीशन रखना कि एक बच्चा हो जाएगा तो मैं चलाऊँगा फिर नहीं रहूँगा क्योंकि अभी जब लड़ाई करोगे तुम जीत नहीं पाओगे वन में रहना है ये सदा रक्षा करेगी नहीं तो एक राक्षस थोड़ी है कितने और राक्षस है ऐसे एक चोर को पाल लो या एक गुंडे को दस गुंडा कुछ नहीं करेगा एक साधारण नियम है तो भगवान तो जानते हैं नीति दुर्नीति सुनीति सभी बोल दिया ठीक है तो भीम को बोल दिया भीम बोला अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ मैं तब तक रहूँगा जब तक तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हुए जैसे बच्चे हो जाएगा मैं चल जाऊँगा बोल ठीक है राजी ओ तपस्सी नहीं है किसकी माया की इससे सोचे इनको जाने नहीं दूंगी ऐसे बांध दूंगी ना ये कभी टस से नहीं हो सके और एक बार पैर के भूखे दुनिया है जहाँ किसी को प्यार मिल जाए ना चाहे कूड़े कबड़ा बड़ा हुए बोले कि बहाड़ी कि बाडोम यदि किसी के साथ जो मन रम गया तो क्या कौन हटा सकता है बोले क्या करेगा काजी यदि दोनों है राजी तो कितनी तो कितनी बातें हैं अब वो, वो तो सोची मैं पक्का पक्की हूँ मैं इसको लेके छोड़ूंगी और लेके तो गई और ये चारों भाई और माँ वन में हैं वनवास में है तो रह रहे हैं कुछ समय के बाद जब एक पुत्र हुआ घटोत्क तब तो इतना बलवान इतना सुंदर जैसे भीम उससे भी एक भीम नहीं लाखों भीम एक साथ होके आया ऐसा बच्चा और वो माया तो उसने सब कुछ सीख लिया तो भीम वो होने के बाद चला आया हाँ माँ के साथ आके भाइयों के साथ मिल गए रख नहीं सके क्योंकि पति के साथ तब तक संबंध रहता है जब तक तो बच्चे नहीं होते जब बच्चे होते हैं आधा प्रेम बच्चे में चला जाता है आधा रह जाता है तो आधा तो बाधा है तो वो निकल गया भीम निकल करके आ तो गया वो घट उसका बड़ा हो गया वो क्या कहती है हिड़िबा देख मैं माँ की भसना करती हूँ और आज अष्टमी है माँ के निकट बलि चढ़ाना है खड़ोद का तुम जाके एक सुंदर अच्छा मस्त युवक को पकड़ के लाओ माँ के सामने बोली दूंगी ये वन में भटकते भड़कते घूमते घामते घूमते घामते एक ब्राह्मण को एक बालक को पकड़ लिया ओ जैसे बकरा भेड़ उठाते हैं ना तो इतना ताकत है बलवान है एक पैर यहाँ एक पैर हिमालय में और भीम जैसे उड़ते हैं उससे ज़्यादा इनमें ताकत है वो ब्राह्मण के बालक को पकड़ कर ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास से लेके चल दी और ब्राह्मण ही रो रहा है ब्राह्मण रो रहा है हाँ बालक रो रहा है किंतु ये तो, तो लेके चल दी इतने में भीम रास्ते में मिल गया बोले आप लोग क्यों रो रहे हैं तो बोले ये राक्षस असुर हमारे बालक को लेके जा रहा है किससे ले जा रहा है पता नहीं खाएगा कि क्या मारेगा क्या करेगा उस समय भीम ने बोला ये रुको और क्यों और इसको छोड़ दो क्यों छोड़े मेरे माँ ने आदेश दिया है आज अष्टमी है महाअष्टमी आज एक देना है इसको आज माँ के सामने बलिदान करेंगे बोले इसको छोड़ दो मुझे ले चल मेरे को बोले देना मेरे जैसे बलवान और सुंदर कोई मिलेगा और ठीक है चलो छोड़ दिया ब्राह्मण ब्राह्मण बड़े खुश हो गए बहुत उपकार किया हमारा इनको लेके चला गया जब चला गया हिड़बा के पास तो हिंडा कहते किसको को पकड़ लाया यार क्यों ये सुंदर है बलवान है पलवान है बड़े मस्त है और इसको बोली देने से तो ज़्यादा माँ प्रसन्न होंगे ना बोले अरे ये तेरे बाप है बोल अच्छा तुमने तो कुछ बोला नहीं मुझे और मैंने कौन सा मेरा बाप है कौन क्या है मैं तो मालूम नहीं मैं तुमको ही जानती हूँ और किसी को नहीं तो उनको प्रणाम वनाम किया बोला अच्छा यदि कोई काम का मैं आपका बालक हूँ यदि कभी याद करोगे तो तुम्हें तुरंत हाजिर हो जाऊँगा तो भीम वहाँ से चला आया और बोले ऐसा नरबली मत दो अपने को बोली दे दो उपहार देना है तो अपने को दे दो वो अच्छा है दूसरे को क्यों बली दो हत्यारा क्यों बनो तो भीम समझा समझा करके तो चला आया उनको वहाँ बहुत आत्मज्ञान की बातें हैं बहुत सुंदर आत्मज्ञान दिया जिससे कि वो सदा के लिए हाँ बरी हो गई तो कहते ये सब चीज़ दानव मानव राक्षस असुर हैं हाँ, ताल बेताल कंधर्व किन्नर यक्ष हाँ, इन लोगों के साथ जो भक्तों के भगवान के आदान प्रदान लीलाएँ होती है ये नित्य नहीं है ये नैमित्तिक है और इसके द्वारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है हाँ, और कोई सुने भी हाँ, आ, कौन सायन, आ, आ, अच्छा है आ कर्ण मनसायन अवतमोरम थोड़ा चटक बटक अच्छा लगता है किंतु ये नित्य भगवान के साथ संबंध या भगवान के प्रतिविधान के लिए ये सब नहीं है इससे उन्होंने प्रणाम किया नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम अर्थात आपकी जो दिव्य अलौकिक लीलाएँ हैं परिकरों के साथ वही लीला जगत के कल्याणकारी है आत्म ज्ञान को देने वाला है और सदा संबंध को बनाने वाला है और जो कैसी को मार दिया थोड़ी देर के लिए कभी अगासुर को मार दिया कभी बकासुर को मार दिया तो कोई कह देख एक सांप मार दिया एक चिड़िया मार दिया उससे होता क्या है एक मक्खी मच्छर मारने से क्या होता है ये भगवान का नित्य लीला नहीं है और इन लोगों के इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से हैं और नित्य परिकरों के साथ संबंध नहीं होगा भगवान के पृथ्वीधान भी नहीं है तो ये क्या है पुतना आई पुतना को जो धातृ उचित मातृ उचित गति दे दी इस बात को सुन कर के सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं ओहो एक पुतना ने माँ का बेस बना करके आ करके वो क्या किया हैं अपने स्तन को खोल लिया है? और बोरे तू बूढ़ी है तेरे स्तन में दूध नहीं है देख मेरा कितना बड़ा स्तन है कितना दूध भरा हुआ है और ये बालक मेरा ही है तेरा बालक नहीं है कपट करके उनके मुंह में ठूस करके अपना स्तन को भर दी किंतु कपटता किया माँ का बेष बनाया तो भगवान कहते हैं अरे कैसे कैसे आ तो गई मेरे पास और मेरे को जहर देने के लिए भी तेरा इच्छा है किंतु उस स्तनों में लगा करके तूने मेरे को पिला दिया ठीक है अब तेरे कपटता को दूर करके बुद्धि को दूर करके शुद्ध करके मैं माँ के जैसे ही नित्यकाल सेवा का अधिकार तेरे को मैं देता हूँ तो उस समय सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं जो ये पुतना कपट है वो कपट करके आकर के साधन नहीं भजन नहीं तपस्या नहीं त्याग नहीं कुछ नहीं वो आकर के भगवान के मुंह में स्तन दे दिया और वो भी है कोई पवित्र चीज़ नहीं है अपवित्र वस्तु है जहर है फिर भगवान ने गति दी चिरकाल सेवा अधिकार दे दी और जो जशदा माता नित्यकाल स्तनपान करा रही है इतनी सेवा कर रही है तो उनको क्या मिलेगा हुँ? उनको क्या गति देंगे भगवान के पास पूछा सुखदेव गोस्वामी के पास सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कहते हैं यदि जो यशुदा माता का कोई स्मरण भी कर लिया वो नित्य सेवा अधिकार नित्य वाशु जो प्रेम है उसको प्राप्त होगा उसको उसको वो प्रेम नहीं है एक घर में नौकर चाकर को पैसा देके रखा जाता है तो उसका पैसे से प्रेम है मालिक से प्रेम नहीं है काम से उसका प्रेम नहीं है तो ऐसे ही जो लोग भगवान के साथ प्रेम समुद्र से जुड़े हुए हैं कैसे एक घर का एक बच्चा है काम धाम कुछ नहीं करता तोड़ फोड़ करता है उल्टा पुल्टा नष्ट करता है हैं? और नौकर आठ घंटा दस घंटा बारह घंटा चौबीस घंटे भी काम करता है किंतु वो बालक कुछ नहीं करता है फिर भी जितना प्रेम उसका है उस और जिद्दी करता है कुछ बर्बाद कर देता है फिर भी वो नौकर के प्रति वो प्रेम नहीं होगा जो अपने संतान के प्रति होगा ममता है और एक नियम है विधि विधान है नियम श्रृंखला और प्रेम संबंध एक नहीं हो सकता इसलिए भगवान के हृदय कहाँ है ओ प्रेमी भक्तों के पास है वो लोग कपट करके आया अच्छा फल मिल गया किंतु प्रभु उनके उस बातों से रीझे नहीं सदा उनके बने नहीं उनको सुजोग दिया आगे उन्नति के लिए कल्याण के लिए आगे बढ़ाने के लिए किंतु भगवान उसमें प्रसन्न नहीं तो जो नैमित्तिक लीला है यह अगासुर बकासुर तिनावर्त कालिया, ये जो सगड़ासुर भगवान की लीला है ये अलौकिक नहीं है इसके लिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं हाँ भगवान क्या कहते हैं कि गोवर्धन में जब कृष्ण गोचारण में आए आज सुबह सुबह तड़ के आ गए बिल्कुल और नाश्ता भी नहीं किया सो के उठा सोखा मित्रों मित्र लोग इतना हल्ला मचाने लग गए शोर मचाने लग गए और लाला जल्दी निकल धूप निकल आएगा और खरा धूप है गर्मी इतनी है और तेरे को जाना ही जाना है तो जल्दी चल और उनको एकदम ब्राह्म मुहूर्त में जस्त माता बोले अरे कहाँ निकल रहा है बोले खिड़क तक जा रहा हूँ गाय को देख रहा हूँ क्योंकि गर्मी के दिन है पानी वानी पिला के स्नान करा करके और मैं आता हूँ दूध दूध काढ़ के आता हूँ ये कहा तो निकल गए क्यों सखा लोग पियान सखा सूर्य सखा पृष्ठ सखा प्राण सखा और सखा बहुत प्रकार के हैं तो वो जो प्रियनर्मल सखा है वो लोग जानते हैं प्रभु के हृदय को इससे आज सुबह बिल्कुल ब्राह्मण मुहूर्त में तड़के उठा के ले आए और गाय तो पहले से तैयार तो है वो और ज़्यादा प्रेमी है उनको बोलने की भी जरूरत नहीं उनको रास्ता भी मालूम है आज किधर जाना है उनको इशारा भी देने की जरूरत नहीं और उससे भी ज़्यादा तेज है और बिजार, साण लोग और उससे भी तेज है बछड़े बछड़िया उनको इतना अनुभव है आज प्रभु किधर वो इधर उधर रास्ता में नहीं जाएंगे उनको बोलने की जरूरत नहीं कृष्ण तो अपना बादन करते हुए नाचते हुए गाते हुए शोकाओं के साथ मस्ती करते हुए जा रहे हैं और गाय लोग रास्ता साफ करते हुए खुर खुर से धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कांटा कूस हटा करके चले जा रहे हैं और साढ़ लोग बड़ बड़े बड़े पालवान, हैं वो तो मस्त दंगल करते हुए जाते हैं लड़ते भिड़ते हुए हैं जिससे कि आगे कोई आक्रमण भी न कर सके तब जल्दी जल्दी करके आज गोवर्धन के तरटी में आ गए आते ही देखा ये लोग तो गाय लोग पानी पी लिया घास खा लिया विश्राम कर रहे हैं सखा लोग हैं मानसिका में उछल कूद कर नहाने लग गए क्योंकि बालकों का पानी देखने से बड़ा मस्ती आता है और उछलना कूदना और क्यों अभी स्नान करने के बाद ही तुरंत क्या है ओ कितने फल लगे हुए हैं गर्मी के दिन है फल बिछे हुए हैं शहद मधु क्या नहीं है तो कृष्णा वन में प्रवेश किया जब प्रवेश किया क्या देखा पहले हम लोगों ने सुना एक जगह का नाम है कुसुम सरोवर तो कुसुम का मतलब है फूल ये नहीं कि केवल कुसुम सरोवर में फूलों का बागान है पूरा गोवर्धन के चारों तरफ में तरटी में सुंदर सुंदर फूलों का फलों का उद्यान बागान है जिसमें कि झरना है कंदमूल है तो कृष्णा जैसे उद्यान में बागान में प्रवेश किया देखा फूल खिले हुए हैं और कम से कम लाखों करोड़ों छोटी छोटी किशोरियाँ फूलों को उठा रहे हैं फूल चुन रहे हैं किस दिखकर बिगड़ गया मेरा बगान है बिना बोले आज सुबह सुबह ये ब्राह्म मूर्ति चोरी करने के लिए चोटी ना गई सबरी है फूल उठा कर बाजार में बेचती है हाँ पैसा कमाती है मेरा बागान है हैं मेरा बाप दादा ने कितना सुंदर कष्ट करके एक सुंदर बगान सजाया और तुम चोटीन सारे फूलों को उठा लेना शुरू कर दी और कहाँ ले जा रही है किसी चिल्लाने लग गए साथ में मधुमंगल भी था और स्तो कृष्ण अर्जुन लवंग सुभद्र भद्रसेन हैं अच्छे अच्छे जो प्रिय नर्म सखा है साथ में है ये सुनकर के वो भी बिगड़ गई बोले कृष्ण बोले क्यों क्यों फूल रहे हैं बोले हम पशुपति की पूजा करेंगे अच्छा पशुपति तो मैं हूं तो मेरी पूजा करोगे और ऐसे बिना आदेश का फूल उठा लिया नहीं बागाम ने क्यों प्रवेश किया और सोरमा चंद लग गए रोज दिन गायों को लेकर के यार बछड़ों को लेकर के दुनिया ला करके हमारे बागान नष्ट करते रोज दिन आज तक तो हमने जवाब नहीं दी आज तो हाँ हाथों तो नाथों तो पकड़ लिया घुस गया हमारे बागान में बोले तुम्हारा बागान है बोले मेरे बाप का है हाँ बोले तुम्हारे पास कोई वो है लिखा पढ़ी है ये है। ये सब संपत्ति वृंदा देवी का है वृंदा देवी क्या वृंदावन है उनका बगान है उनका संपत्ति है तो बोले वृंदा मेरा पत्नी है बोला अच्छा है? काले कोल उठे नक्शेवाद दिखा रहा है तेरे को कौन पूछता है ब्रज में तेरे सकल को ही देखता है, है? बृंदा को बुलाया ए बृंदा बोलो तुमने इससे कोई रिश्ता किया कभी इसका नजर मिलाया सड़क सकल देखा है इसका बोले कभी नहीं इसको इसको कौन देखता है इसको देखने से तो आंख भी काला हो जाता है और मेला धूल जम जाता है कि काले कोलटों को देखने से हैं के पे पर्दा बंद हो जाता है इसको कौन देखता है हैं। तो ये संपत्ति मैंने सब कुछ राधा रानी को दे दिया राधा रानी का बने है पकड़ लो इसको और पकड़ लो इसके साथ वाले को चोटी पकड़कर बांध दो पेड़ में ये रोज दिन वहाँ दानगाड़ी में खड़ा रहता है सुबह तड़के आके भिक्षा मांगता है दे दो दे दो दे दो दान दो टैक्स दो अरे हैं तेरे बाप का घर में खाना नहीं है या इतना गरीब है रोज दिन भिक्षा मांगता है हाथ पसार करके शर्म नहीं आती है और हमसे लड़ने आया सुबह सुबह हमारे बागान में आकर के हमें डांट रहे हम हम फूलों को कैसे सींचते हैं कैसे बनाते हैं वृंदा देवी दिन भर रात भर कितना सेवा करती है और यहाँ आकर दादागिरी करने लग गया खूब झगड़ा शुरू हो गया उस समय मधुमंगल कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं है देखो सुबह सुबह तड़के तड़के कुछ खाने पीने को दे दो है हाँ। समस्या समाधान हो जाए झगड़ा हाँ। हो चलेगी ही नहीं आगे हाँ। तुम खाली पीली झगड़ा करती हो भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है आज सुबह सुबह हम इतने दूर से चल चल करके आए अतिथि आ गया तो घर में पहले पूछना चाहिए भैया पानी पी लो बैठ जाओ खाना खा लो ये तो नहीं और लड़ना शुरू कर दी ये औरतों का धर्म है, है औरतें कभी भी हैं बिना डांट खाए हैं वो दबती नहीं हैं उसको तो डांटने वाला कोई ना कोई चाहिए बस लड़ाई शुरू हो गया मधुमंगल हैं बोल लड्डू दो कुछ दो खाने को दो बस बोला आप देते हूँ देती हूँ लड्डू हैं भागा पकड़ने के लिए और पकड़ करके अभी अभी अच्छे सजा दूंगी हैं किसके संपत्ति को तुम्हारा अधिकार है छुप करते हो लड़ाई करते हो तो कहते हैं ये जो परिकारों के साथ लीलाएं हैं ये दिव्य है ये अलौकिक है इसके स्मरण कीर्तन के द्वारा हैं क्या होगा भगवान के साथ नित्य संबंध प्राप्त होगा और भगवान के प्रेमियों के पक्ष में जाएंगे हैं अब इतना सुनने के बाद में मधुमंगल कहता है अब मैं इसके साथ नहीं दूंगा ये सब समय आक्रमण करता है लड़ता है मैं तो आप लोगों के शरण में हूँ आप मुझे भोजन दे दो मैं अभी आपके पक्ष में रहूँगा सदा बोले दल बदल करने वाले को कभी भी हैं अपनाना नहीं चाहिए आज इस दल में है कल इस दल में है फिर परसों भग जाएगा भगोड़े हैं हैं तो वहाँ वृंदा देवी विराजमान है वृंदा देवी कहती है यह वृंदावन सब श्रीमद राधारानी का है हैं तुम लोग आज दास खत लिख दो और कि हम आज से ब्रज के हैं राजा के दासानुदास बनने के लिए हम प्रार्थी हैं तब हम तुम लोगों के लिए गोचरण करने देंगे वन में आने देंगे किंतु फूलों के बगान में नहीं ये फूल हम पशुपति की सेवा के लिए रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं उस समय श्रीमती अधारणी दूर से इन कलहों को सुन रही है और नज़दीक नहीं आई ललिता कहती आगे मत जाना विशाखा कहती है भूल करके भी उनको मत देखना, किंतु कृष्ण ने देखा ये कलह मिटेगा नहीं गोवर्धन के तरटी के ऊपर नहीं वो ऊपर चढ़ गए जा कर के चुपचाप बंशीवादन शुरू कर दी बास पेड़ों के रस झरने लग गया पाखी चिड़िया झूमने लग गई और हिरण्य टकटक लगाकर देख रहे हैं गाय के स्तन में से दूध है और बछड़े नहीं पी रहे हैं से निकल रहे हैं और उस पानियों में वो लहर आ गया उफन आ गया हैं झरना नीचे जाने जाना छोड़ करके और ऊपर की तरफ चलने लग गई उधर क्या हो रहा है सकी के हृदय हाँ, और नहला दहला दी अर्थात हाँ, अब भीतर बितर हो गया तो अब कहाँ गए झगड़ा सब मिट गया शांति हो गया मतलब कृष्ण के बंशी ध्वनि को श्रवण मात्र ही हैं हृदय में जाकर के ये अमृत और सरोवर में अवगान करा दिया उसमें निकलने का कोई उपाय है नहीं तो कहते हैं ये जो प्रेमामृत लहरी है ये केवल मात्र दिव्य अलौकिक लीलाओं में ही संभव है दिव्य अर्थात भगवत परिकरों के साथ जो भगवान का लीला है ये मनोमुग्धकारी मनोहारी हैं और भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और जो असुर मारण आदि और गुस्सा में लिखते हैं ये जो लीलाएं हैं ये कृष्ण नहीं करते विष्णु द्वारा कृष्ण करें असुर संहारे जितना असुर आदि मारण लीला है वो कृष्ण नहीं करते उनके अंदर में जो विष्णु है और अवतारावली है उनके द्वारा ही वो कार्य संपन्न होता है भगवान इन चीज़ों को कभी देखते भी नहीं है और न सुनते हैं हैं उस समय वर्णन देते हैं हैं कालिया अपने फेटों में लपटों में कृष्ण को ले लिया और कृष्ण कम एकदम निश्चेष्ट होकर के उनके फेटे में पड़े हुए हैं और कालिया क्या कर रहे हैं उनके हजारों फनों से मर्म स्थान में दंशन कर रहे हैं और खूनों की धार बह रहा है तो कालिया सोचते हैं कि खून को मैं पी जाऊं सबरी और उनको बिल्कुल ही खत्म कर दूं क्योंकि नागराज का यही नियम है नागों का हाँ, गले में नरम स्थानों में वो दंशन करेंगे, और खून निकलेगा तो वो खून को पिएंगे। तो कृष्ण को लपटे में बांध ली उस समय ब्रज में बड़ा उत्पात मच गया इतना चहल पहल हो गया अंदर आ गया खूनों की वर्षा होने लग गया लोमड़ी बोलने लग गई कौआ उड़ने लग गया नंदबाबा बोले आज कुछ अपन हो रहा है सबरे हैं हाँ, आकाश में उड़ते हुए आ रहे हैं और ब्रजवासी जन हाँ, उस दिन बलदेव प्रभु नहीं आए थे उनका जन्मदिन था वो कृष्ण को माना किया था बोल मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर अभी आ जाऊँगा हाँ। किंतु आए नहीं अब सब लोग भाग भागे आए तो कालिया के किनारे रद के किनारे देखा गाय बछड़ सब तो एकदम मरे हुए पड़े हैं कृष्ण सांपों के लपटे में हैं ये देख कर के सबका प्राण उड़ गया जसदा माता आनंद बाबा सभी काली रथ में उछलने के लिए और अपना जीवन समाप्त करने के लिए सब तय तो बोलते प्रभु बोले नहीं रुको अभी देखो तो क्या होता है बड़े मुश्किल से उनको रोक लिया, उस समय गोपियाँ भी वहाँ थी, किशोरिया सभी आई उन लोगों ने क्या देखा कि कालिया कैसे सौभाग्यवान है कृष्ण को यदि हम लोग गले मिलते हैं आमने सामने मिल सकते हैं हाँ। सर्वत्र तो हम पकड़ नहीं सकते आज देखो कालिया ने क्या किया आगे पीछे चारों तरफ अपने लपटों में लेकर के कैसा लिंगन कर रहे हैं और देखो फन से चुम्बन कर रहे हैं हैं हाँ? कैसा उसका भाग्य है हमारा तो कभी भाग्य तो होता ही नहीं है उनको स्पर्श करने की आज स्पर्श में किया तो चुम्बन किया तो एक ही जगह में और ये कैसे सौभाग्यवान है उसकी सराहना कर रहे हैं है। जब कृष्णा फेटे के अंदर से नपटे के अंदर से बाहर आ गया आकर के जब फन को नित्य करने लग गए एक फन नहीं कितो फन है और नाचते नाचते एक को तोड़ डालते हैं फिर वो खून की उल्टी करने लग जाता है फिर दूसरे फन में और गोपियाँ क्या कर रही है ओहो हमने कितनी कोशिश की कितने चेष्टाएं की उनके चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल में हृदय में धारण करें किंतु कहते तुम्हारे हृदय बड़े कठिन है और तुम्हारे ताप से भरे हुए हैं हमारे मस्तक को रखे नहीं रखने दिया और आज कालिया के कैसे सौभाग्य है कालिया कैसे भाग्यशाली है उनके मस्तक पर भगवान के चरण बिना मांगे और ऐसे नृत्य कर रहे हैं रास में भी ऐसा नृत्य नहीं किया है कब कौन फन के ऊपर में नृत्य कर रहे हैं कौन सा ऊपर आ गया उसी के ऊपर भगवान चढ़ जाते हैं तो ऐसे जो नित्य प्राण प्रिय प्रश्न सखियादेवियाँ चिंतन कर रही है उसको कौन देख रहे हैं प्रभदानंद सरस्वतीपाद इससे कालिया रथ को छोड़ करके वो कहीं जाते नहीं थे कभी काम जाते कभी और नृत्य किंतु तो यहाँ ही उनका चिरकाल समाधि है और वहीं उनका भजन कुटीर है क्यों वो देखते हैं गोपियाँ सराहना कर रही है हाँ आखिरी में क्या हुआ जब कालिया को विदा कर दी जीव गोस्वामी कहते हैं विदा नहीं की ब्रज में कोई आया उसको ब्रज से विदा नहीं करते उनके नाकों में नौत देकर नकेल देकर के रस्सी दे के कदमक के पेड़ के साथ बांध दिया बोलते हैं यदि सैर करना है नदियों में कभी समुद्र में जाना है तो नौका जहाज की ज़रूरत नहीं एक सर पर चढ़ जाओ बैठ जाओ ये लेके घुमा के ले आएगा और हाथ में मेरा रस्सी है भाग का खाना हैं कभी सुखाओं को लेकर सैर करने जाते हैं कभी सुखियों को लेकर सैर करने जाते हैं घूम गुम, घूमने जाते हैं और जमुना होकर के एकदम गंगा सागर समुद्र तक घूमे आते हैं कद ऐसे जो हाँ, कालिया हैं सौभाग्यवान हैं कि थोड़ी देर में क्या हुआ शाम हो गया ये लोग आज नंद गाँव गए नहीं ब्रज में लुट के गए नहीं और रात को कौन सा के चौरों ने देखा अरे कालिया को भी परस्त करके भगा दिया अपना लिया चलो ये सब इकट्ठे हो गए यहाँ सारे ब्रज आग लगा दू। हैं तो एक तो सूखे लकड़ी मुंजा और जितने बिटुरा ये क्या करते ब्रज में कांडों को ना बिटुरा बनाते हैं और बना बना घर बना कर रखते हैं क्योंकि बरसात के दिनों में सूखे कांडा लकड़ी कहाँ से मिलेगा तो अब बिटुरा सब में आग लगा दी कौन से कौन चारों ने अब आग लगा दिया तो चारों तरफ तो आग है जाएगा सब लोग कृष्ण को पुकारने लग गए और कृष्ण को आकर पकड़ लिया कालिया ने दिन में पकड़ा और ब्रजदेवियों ने रात को पकड़ लिया आग ऐसा लपटा है तो कहते आग नहीं है ये हमारे लिए अंदर में जो ताप था ना सब ने निकल आया कृष्ण के मिलन के लिए बहाना बना दिया अच्छा तो हुआ कम से कम अब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं अब तो किसी संदेह नहीं कोई किसी के साथ ये नहीं विपदा के समय में कोई किसी को पूछता नहीं कोई कुछ ब्लेम और क्लेम नहीं करता वो आज कितना भाग्य है आज कृष्ण को हाँ, चारों तरफ से पकड़ लिया कृष्ण बोले ठीक है अच्छा है हाँ। शक्ति जोगमाया देवी ने कितने सुंदर व्यवस्था की ठीक है कृष्ण एक स्वरूप में लाखों स्वरूप में लाखों करोड़ों के साथ एक साथ में मिले हैं सबका मनोरथ पूरा किया दिन भर ताप रहा और रात को ताप प्रज्वलित हो गया किंतु मिलन में सब शांत हो गया अर्थात वो आग बुझ गई आग उताप ताप शांत नहीं होते किंतु एकदम मिलने मिलन में शांत हो गया तो कहते हैं यदि नित्य पृष्ठ प्रियजनों के साथ यदि उनका कुछ लीलाएँ चलता है तो वो जगत कल्याणकारी हैं है। मंगल के भी मंगल स्वरूप है और यदि असुर मारणादि नैमित्तिक लीला है खनस्थाई है थोड़ी देर के लिए हाँ किंतु वो हाँ, संपूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं है वो नैमित्तिक है फिर भी अच्छा है हाँ, किंतु वो ममता या निबंधन या प्रेम निबंधन नहीं है वो केवल मात्र आकर्षणीय है हाँ, चित्त को आकर्षण करेगा भगवान ने ऐसा किया ऐसा किया किंतु वो चीज़ साधारण जगत के लिए उपकारी है अनित्यलीला के प्रति उनका कोई है परिचय नहीं है और न कोई लोभ है तो ग्रंथकार कहते मुझे नौमित्यलीला से कोई मतलब नहीं है जो अनंत लीला है उसमें भी जो दिव्य देवाय तोभ्यम जो अनंत लीला में सबसे दिव्य है अलौकिक है मैं उस लीला के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ वो लीलाई भगवान को चिरकाल के लिए बांध सकते हैं कहते हैं उसमें भी रसमय जो राजबिहारी है हैं जो बिहार करने वाले सबके हृदय पटल में और तो ही वो राजबिहारी होगा बोलते हैं नहीं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी तो विराजमान है तो वो तो राजबिहारी नहीं है वो परमात्मा कहते हैं ऐसे यदि कोई कहे भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा गुरु विराजमान है।, है कहते हैं नहीं भगवान के हृदय में कितने लोगों के लिए जगह है वो नहीं है सब लोग कहते हैं मैंने गुरु के पास गया नाम ले ली दीक्षा ले ली मंत्र ले ली किंतु गुरु ने किसको अपनाया है? कौन को, व्यक्ति ऐसे है इतने प्रेम सेवा किया प्रतिपूर्वक कि उनके हृदय को भी जीत लिया अर्थात उनके हृदय में भी उनके लिए जगह हो गया तो तो गुरु सेवक है आने तो गुरु सेवक है ऐसे भगवान कहते हैं कौन प्रेमी है प्रेम के द्वारा मेरे को भी रिज लिया जीत लिया और मेरे हृदय में भी स्थान बना लिया है वो तो मेरे हैं मेरे को अपनाया और नहीं तो ऐरे गहरे सरे कितने सारे हैं कहने वाले तिलकधारी मालाधारी नामधारी जपधारी हैं चोटी वाले बाबा जी कितने सारे हैं किंतु चमड़ी और दमड़ी में फंसे हुए हैं इसको अतिक्रम करके भगवान को अपनाया या उनको प्रेम से रिझे और उनके हृदय में जगह हो गया तो वो प्रेमी ही कहलाते हैं इस प्रेम की जरूरत है और परसों रोज हम लोग कथा में कह रहे थे सभी गुरु का आदेश मानते हैं गुरु की सेवा करते हैं तो एक कार्तिक के महीना में परिक्रमा चल रहा है तो किस सेवक ने बोला मैं गुरु की कितने सेवा करता हूँ आदेश पालन करता हूँ गुरु मुझसे बहुत प्रसन्न है तो किसने ने पूछा कैसे प्रसन्न है और गुरु ने बोला तुम दूध का खीर बनाओ दूध पिलाओ भोग लगाओ फल लाओ, ये करो वो करो तो उसने पूछा भाई बहुत अच्छी बात है गुरु का आदेश तुम पालन करते हो किंतु गुरु तो साक्षात विराजमान है उनको कभी एक फल खिलाया इतना सा दूध पिलाया कभी तो नहीं उनका आदेश ही सब कुछ है बोले बढ़िया है उनको खुटा में टांग टांग के बांध दो लटका दो उनको कुछ दो नहीं उनका आदेश है निर्देश पालन करो वाह बहुत अच्छे प्रेमी भक्त हैं हम लोग ऐसे प्रेमी और नेमी भक्त हैं आज्ञा पालन करने वाले चाहे वो मरे चाहे जिए उनसे कोई मतलब नहीं उनका आज्ञा पालन कर उनने बोला मेरे को पिट दे हैं ऐसे पिटेंगे उनको खत्म ही कर देंगे तो गुरुसेवा है तैसे भगवान के भजन कैसे है, है? भगवान के प्रतिविधान कैसे होता है हु? ये उनके प्रेमियों से सीखना है उनका अनुगत्य तो करना है सीखने के बाद में हैं स्वतंत्र होकर के फिर सेवा कर सकेंगे बोले ये जन्म जन्मांतर कभी नहीं हो सकता स्वतंत्रता जहाँ आई तो हम गए जहां से खुदा के कसम लौटना नहीं होगा अनुगत्य में सेवा जो है भक्ति उत्तमा भक्ति उसे कहते हैं जो अनुकूल अनुकूल अनुशीलन करना है तो अनुकूल का मतलब है अनुगत्य अनुकूल का मतलब है निरंतर अनुकूल का मतलब है उनके रुचिकर तो ये हम कर रहे हैं उनके प्रिय है कि नहीं रुचिकर है कि नहीं आज जो प्रिय व्यक्ति है वो जानते हैं क्या रुचिकर है।, है इससे ग्रंथकार यहाँ कहते हैं यदि अधिकार प्राप्त करना है भगवान के हृदय में यदि किसी के लिए जगह हो हैं उन्होंने यदि किसी को स्मरण किया तभी तो, तो वो प्रेमियों को बिना स्मरण के रह नहीं सकती और वो प्रेमी भी उनके बिना नहीं रह सकती इसलिए ऐसे प्रेमी हम कैसे बने नहीं तो जीवन बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है।, है यार चोला पहन लिया चमड़ी और दमड़ी के ऊपर सज सजाया तिलक रचा दिया या खूब दिखावा कर दिया किंतु हृदय महारा महाराज हमारा कोई और है, है। ये हृदय के कोने में इतना भी जगह नहीं है हैं एक कहते हैं वृत्सुर अजात बक्षव मातरम खगा स्तन्याम जथा बस्तरा खुदार्ता प्रियम प्रियव व भूषदम भुसन्ना मनो अरविंदाख्य दिधीक्षताम कहते छोटे छोटे चिड़िया अंडा से अभी अभी जन्म लिया तो उसको आँख भी नहीं है अभी चोंच है पर भी नहीं है घोसरा में पड़ा है कोई आवाज आता है सोचते मेरे माँ गए चिक कर मुँह खोल के बैठ जाता है बोले सांप आ गए खाने के लिए तो उनको तो पता नहीं और खा भी जाए तो कोई मत कर नहीं सकते तो माँ के लिए उसका प्रेम है किंतु किस लिए हैं मुझे भोजन देगी और भोजन कैसे लाती है वो अपने चो से नरम करके पका करके तो उसके मुँह में डाल देते हैं तो उसका प्रेम इतना ही है और जब पर हो जाता है ना तो माँ के साथ रहता है खाने के लिए सोचते हैं फुर्रुड़ जाता है तैसे तो ही है तो लोग बड़ा प्रेम दिखाते हैं भगवान की सेवा पूजा करता है और जहाँ प्रभुता आई तो प्रभुता भाई मत कहे नहीं बस हो गया काम मैं तो अब महाराज हो गया हूँ मैं अब गुरु हो गया हूँ गुरु घंटाल है शिष्य चंडाल है मैं तो हो गया कुछ किसी न नू की न ऐसे नहीं होता ये प्रेम नहीं है और फिर क्या कहा बस तरा खुदाटता सुबह से बछड़े बंधे हुए हैं शाम हो गया माँ आई नहीं जैसे शाम को आई और वो चिल्ला रही है कर रही है आई तो दूध पीने के लिए माँ के पास घुस गई दूध पी लिया फिर बड़ा हो गया तो कोई मतलब नहीं फिर कहते वृत्तासुर ऐसा नहीं प्रियम प्रिय वुषतम विषन्ना जैसे प्रिया प्रियतम के लिए सोचती है कहाँ है दूर प्रवास में गए कब आएंगे खाना नहीं पीना नहीं पहनना नहीं छटपट है कहते ऐसा प्रेम मेरा कभी होगा और आगे और कहते हैं मनो और अविदनाथ से वो भी प्रिया प्रियतम से मिलने के बाद में भूल भी सकता है या दूर रह भी सकता है किंतु तो हमारा ऐसा नहीं हो कि हैं कि मन की आंखों से भी मैं उन्हीं को देखूं और आत्मा में मैं उनको समा के रखूं एक वृत्ताशु जो ऐसा कह सकता है तो हमारा साधन कैसे होना चाहिए हैं इससे जब तक कि वो कहते ममा उत्तम सुर जने सुख्यम हैं हे है प्रभु हैं आपके जो प्रिय मित्र हैं जो आपके प्रेमी हैं सब समय स्तुति करते हैं वंदना करते हैं प्रार्थना करते हैं प्रेम सेवा करते हैं है। कहते भ्रमत सकर्म चक्र भी मैं यदि संसार में कहीं भी भ्रमण करूं ऐसे प्रियजनों के साथ मेरा संबंध हो तो आज ग्रंथकार लास्ट में ये कह रहे हैं नम क्या वही तो दिया प्रिया वही मैं राधा जी की वंदना करता हूँ किसरी उनके प्रिय स्वयं स्वयं सुंदर कृष्ण हैं और तदीय प्रिया है। और जितने उनके तदीय है निर्जन हैं उनको प्रिय है हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे प्रेमियों से संबंध हो प्रेमियों का मैं भजन कर सकूं उनका अनुगत्य कर सकूं उनके आश्रय ले सकूं और सदा सर्वदा मुझे आश्रय दे के रखे हैं दूर भगाए नहीं जब दूर हटा दिया मैं दूर हट गया स्वतंत्र हो गया तुम्हारा तो सब सर्वनाश हो जाएगा कि बुद्धिहीन अज्ञ क्या मेरा भाला होगा क्या उपकार है क्या अच्छा है क्या बुरा ज्ञान तो है नहीं है। सोचते कुछ मिल गया तो बहुत कुछ हो गया किंतु तो ये तो सब कुछ नहीं है आगे तो और कुछ चाहिए इससे कहते हैं शवन कीर्तन के द्वारा नित्य लीला का तो नित्य चिन्मय रस इस मिलेगा इसे वहाँ वर्णन दिया आनंद चिन्मय रस प्रतिभा ताबिज ताबिश जो निज रूप तया कला भी वो आनंद जो चिन्मय रस है उसको नित्य सवन कीर्तन तब तो प्रतिभावित तो ताबी तब तो वो हाँ हमारे हृदय में प्रतिफुलित होगा स्फूर्ति होगा आज यदि एक दिन सुन लिया फिर दूसरे दिन याद कर लिया तीसरे दिन भूल जाएंगे इससे नित्य प्रति जब हम सबन कीर्तन करते हैं और प्रेमीजनों के साथ रहेंगे तो करेंगे सवन कीर्तन क्योंकि हमारे गुरुबरों ने क्या किया सुबह ब्राह्मण मुहूर्त के बाद कथा कीर्तन का व्यवस्था बनाया हाँ। तीसरे दिन व्यवस्था बनाया और लोग नित्य स्मरण करते हैं नित्य स्मरण करने के उपाय कर दिया है और यदि अन्यत्र जाएंगे तो क्या है कभी एक एक टाइम आ, याद कर ली कभी वो भी भूल जाते हैं खा जाते हैं हम गोला गोलगप्पा की तरफ सब खा गया तो हजम हो गया अब क्या जरूरत है एक दिन कर लिया कर लिया बहुत है जीवन में एक दिन तीर्थ स्नान कर लिया एक दिन नाम जप कर लिया बहुत है रोज रोज़ क्या खटखट खटखट -खट करने की ज़रूरत क्या है ये ज़रूरत नहीं है किंतु जिसका प्रेम नहीं है अर्थात भगवान में कोई ममता नहीं है जहाँ ममता है क्या उसको छोड़ सकते भूल सकते हैं वो घर वो चार दीवारी, वो यार दोस्त हाँ, वो पैसा वो हाँ, नौकरी चाकरी क्या उसको उसको भूल सकते हैं भगवान को देख दिन याद करिए धाम में आया वृंदावन आया एक दिन आया कि बड़ा मुश्किल से रगड़ करके एक महीना रह गया ओ आ एक महीना कितना कष्ट करे फिर कहाँ गए वो खोपड़ी झोपड़ी में तो झोपड़ी में प्रेम है खोपड़ी ऊँगा ही जाता है कि भगवान में प्रेम नहीं है देखा क्या होगा इससे प्रार्थना करना है कहते हैं कैसे मेरा नित्य नर तर्जुमयी प्रति हैं मेरे हृदय में अभिभूत हो तो कहते हैं केवल त्वीय प्रिय त्वीय जो जन हैं भगवान के प्रिय भक्त तो वही तो हैं तो है, हमारे इंद्रियों की आसक्तियों को हटा करके अपने अपराकृत तो रसों के द्वारा सिंचन करके मेरे को शिक्षित और सुशिक्षित और योग्य सुजोग्य बना सकते हैं और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है सब लोग कह सकते हैं मैं मदद करूँगा किंतु तो कुछ है ही नहीं तो देगा क्या हाँ ये कपड़ा दे दी खाना दे दी रहने को दे दी इससे थोड़ी ना कुछ होना है चमड़ी दामड़ी तो रहेगा नहीं हैं कोई दुनिया में चिरकाल तो रहेगा नहीं और यदि अभी शरीर में रहते हुए भगवान में प्रीति हो गया तो जहाँ भगवान के जन है लीला है वहाँ हमारे लिए स्थान होगा प्रभु हमारे लिए याद करेंगे हमारा सुगति होगा ये कहते हैं इससे कृष्ण स्मरण कैसे स्मरण होगा सर्वक्षण केवल एक ही उपाय है तत्त कथा रतस्यासु जहाँ पर भगवान कथा सर्वक्षण तस्मिन मन मुखरित मधुब चरित्र पीयुष शेष चरित परित श्रवंती ताजे पीबंत निपगा कर नहीं है कहते हैं भगवान के भक्त जन प्रेमीजन सर्वक्षण भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं ये नदी का स्रोत है तोयले धारावाद अविच्छिन्न गति से बंद नहीं होता कोई कोई पूछते हैं अरे कल तो कथा सुना आज क्या सुनने जा रहे हैं वही तो रटेंगे बोलते ऐसा नहीं तुम कभी गए नहीं ना सुना नहीं ना है उनके अथा अनंत कितने उनके कथा है भंडारा है वो तो समाप्त तो होने वाला नहीं अक्षय सरोवर है।, है वो कथा कैस कैसे कैसे हैं और काले सुना तो आज कुछ है आज सुना तो अभी थोड़ी देर में कुछ और लीला है।, है कैसे कथा है तो कथ यदि ऐसे तस्वीर मन तो मुखरित तो मधुमेश भगवान का जो हाँ, मधुमय लीला समूह है इसको निरंतर निरंतर पान करे तो भय शोक मोह कहाँ से आएगा हुँ? और बोले कि काम क्रोध क्या बात करीते बारे साधक रे यदि हाँ साधु संग क्या कर लेगा दुनियादारी उसमें क्या ताकत है यदि तो सत्संग हो गया तो और संतों में प्रेम हो गया तो भगवान में प्रेम हो गया तो इसलिए वो स्थान सिंगारसों का अधिकार अर्थात शोभामान हो जाता है, है? और सिंगार अर्थात उनको सजा दिया जाता है और मैंने उन्होंने सुना अभी दामोदर ला में ओ एक बेलनी कुहारिन गु, वो जाती है ब्रज में सड़े हुए फलों को काट छाट करके लेके टोकरी भर के तो ब्रजवासी कहते हैं अरे भैया काटे छाटे सड़े ने मत लाइयो तो बोले हमारे पास तो पैसा वैसा है नहीं कैसे लाऊं सेठ तो देगा नहीं उधार और काय को चिंता कर रही है ये ले ये ले कितना चाहिए ए सोने का मोहर और चांदी क्या चाहिए तुझे लाइव अच्छा फल लाइयो अनार चेरी और अमरूद संतरा, और सारे फल लेना क्योंकि ये लोग मथुरा आते नहीं और मथुरा के लोग ब्रज में जाते नहीं हैं और ये विकारीन है गरीब है इससे काटे छाँटे को फेंक देते हैं सड़े गले धूध आकर जमुना के पानी में काट छाट करके ले जाती है तो उनको कोई कुछ बोलते नहीं कौन से भी बहरा देते नहीं उनके चर भी कुछ बोलते नहीं अब वो आकर सेठो को बोलते हैं अरे मेरे को अच्छा फल दो और पैसा दे और कितना चाहिए कितना चाहिए बोलो बोले आज इसको हो क्या गया हैं ये कहाँ से लाई इतना सारा हैं दुकानदार बोले अच्छा हमसे ले हमसे ले और डांट फट कर कर फटकार करके छांट छांट करके बड़े बड़े लेके जाते हैं ब्रज में तो एक दिन सड़े गले देने की इच्छा हुई तो दूसरे दिन प्रभु ने व्यवस्था कर दी ना अच्छा के लिए और अच्छा लेके आई तो उसको सोने का झुंझी पहना दी हाथ में कड़े पहना दी अच्छे से साड़ियाँ दे दी हैं और खाने को बड़े से बढ़िया दे दी बोले अरे तू इतना सुंदर फल लाई ना हमारे लाला बड़ा खुश हो जाते हैं एक चेरी जो दी उसको दे देना और हाथ में ले नाचने लग जाता है हैं एक अंगूर दे दिया अनार के दाना निकाल के दिया हमारे लाला बहुत खुश हो जाते हैं ब्रज में हल्ला हो गया कहीं से भी ये आई सारे लूट लेते हैं जल्दी जल्दी किसी ने आनंद ले ली किसी ने चीकू ले ली किसी ने संतरा ले ली लेके कहाँ जाते हैं सब नंद भवन अरे जसो तेरे लाला के नहीं मैं ये फल लाई देख इसे जूस निकाल करके दे दियो लाला खुश हो जाएंगे बोले तू ही दे दे वो कपड़ा अपने अंचल से निचोड़ के लाला के मुंह में डाल देते हैं वो तो मां का स्तन भूल जाते हैं और रस से क्यों उसका प्रेम रस है ना उसी को तो पान करते हैं उनके पास फलों की कमी है क्या आदर परिचर्याम यदि आदर बुद्धि है वही किन के सुदामा के हैं भगवान और रुक्मिणी के छपन भोग तो खा नहीं रहे हैं सोने के थाली में हैं देखते नहीं और उसका छीन करके बगल से और कप का चित्र में बांधे हुए हैं तो आज ब्रज में प्रेमी लोग जो कुछ ला रहे हैं कितना प्रेम से खारा नाच रहे हैं और वो कुआरिन अब तो सेठानी हो गई धनी मानी राजरानी हो गई क्यों रोज दिन एक टोकरी नहीं अब पचास टोकरी लेके भी चल रही किंतु कितना ढोके ले जाएगी है भगवान के लिए इतना करो भगवान भूलते नहीं अल्प सेवा बहु करी माने किंतु करो तो प्रेम से अहंकार लेकर के मैं करने वाली हूँ करने वाला हूँ धाक जमा के देख ले मैं कैसा हूँ मैं दुनिया को दिखा के रोकूंगा करके दिखाऊंगा ये सब अभिमान अहंकार कोई काम का नहीं है यदि सच्चे दिल से प्रभु के पुकारे और कुछ भी है पत्रम पुष्पम फलम त्वम जो में भक्ता प्रदती अपरित भी प्रजात्म भगवान प्रजत्न के साथ प्रीति के साथ समर्पण करने प्रभु भगवान प्रव, स्वीकार करते हैं इसी दामोदर लीला में भगवान को हम कैसे बांध सकते हैं है? इसको दिखाया यदि प्रेम है प्रेमी को बांध सकते हो सदा के लिए हाँ प्रेम का बंधन ही सबसे बड़ा गांठ बंधन है और यदि प्रेम नहीं है साकल में जंजीर में बांध करके यदि रख लोगे ना तो वो भी तोड़ताड़ करके भग जाएगा शीतला पड़ा रहेगा किंतु वो आत्मा मन तो पहले ही निकल गया आत्मा भी निकल के चला जाएगा ऐसे नहीं बांधा जाता है गुरु जी को कहते थे मथुरा मठ छोटा सा है, है चार दारी पंखा नहीं लाइट नहीं पानी नहीं बिजली नहीं कुछ नहीं तो बोलते आपके पास इतने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं है हैं क्यों इनका कुछ नहीं पानी नहीं खाने को नहीं बिजली नहीं बोलते देखो अरे ये मथुरा नगरी वृंदावन भी नहीं बोलते महाराज जी कहते मेरे एक ब्रह्मचारी को यदि कोई लाख रुपए का लोभ लालच देकर के भी ले जाए तो मैं जानूंगा उस समय लाख रुपए की बड़ा कीमत था कोई ले तो जाए हमारे से क्योंकि महाराज जी ने अपना प्रेम से ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारिणियों को ऐसा प्रभु के चरणों में बांध दिया ये टस से मस नहीं होता कभी चारदीवारी से बाहर सड़क में भी नहीं आया कभी दिखाई नहीं निकला ही नहीं तो ऐसे भी प्रेमी कहीं हो तो वो अपना प्रेम से सेवा करते प्रभु की और ऐसे प्रेम सेवा प्रदान करते हैं कराते हैं और उनको बांध देते हैं तो उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं और कुछ चाहिए नहीं किंतु साधारण लोग नहीं समझते कहते हैं जैसे श्याम प्रभु के लिए कहा ये विदेश जाकर सबका ब्रेन वॉश कर दी कोर्ट में आ, मुकदमा दायर कर दी बोले इन्हें हमारे बेटे का ब्रेन वॉश कर दी हमारे बेटी का ब्रेन वॉश कर दी पागल बना दी इसके बाद स्प्रिट है मिस्ट्रिक पावर है कोर्ट केस चल गया किंतु उससे क्या होगा ये आत्मा को वो खुराक चाहिए क्या मधुवी चरित्र मधु मिल गया ना तो कौन पिएगा खारी पानी और समुद्र का नाले का इससे जब तक तो ऐसे प्रेमी भक्त तो मिले नहीं और ऐसे प्रेम सेवा का रस पान कराया नहीं हैं सेवा में अधिकार दिया नहीं वो तो तब तो तक ही बस दुनिया में नाक रगड़ेगा और घूमेगा तड़फेगा हा? कुछ हाथ आएगा नहीं आखिर में बस ये मेरे सही मेरे इससे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि या ऐसा प्रेमियों के संग कहाँ मिले और सदा सर्वदा ओ वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी वर्गो भ्रमतो जदा जनस्य तो से तय अच्छुत सत्संगमो सत्संगमो तदैव सद्गतो परावर से जाते रति हे भगवान भव अपवर्ग अप ये संसार में जन्म माला में चक्कर में सारा दुनिया पुनरूपि जननम पुनरपि मरनम पुनरूपि जननी जठरे शयनम जानते हैं डेथ कन्फर्म संसार में भ्रमण कर रहा है किंतु यदि भाग्य से सत्संग मिल गया आ? तो उनका संसार का अंत हो गया और वो सत सत का जगह में पहुंचा देंगे काल के लिए प्रभु के चरणारविंद में पहुंचा देंगे इससे कहते हैं कृष्णमांसा पूर्ति रूप करे आराधने अति राधिका नाम पुराने बखाने राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधरी अन्य विलास रस आस्वादन करी कहते हैं कृष्ण की पृथ्वीधान के लिए श्रीमत धरणी जगत में आविर्भूत हुई है हैं शास्त्र में पुराणों में सब वर्णन देते हैं राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है एक ही है किंतु दो भागों में विभक्त करके वो जीव को को भगवत सेवा का रस प्रदान करने के लिए शिक्षा देने के लिए आगे लाने के लिए श्रीमद राजानी का और उनके परिवारों का जगत में आविर्भाव है श्री कथान नम भगवान हरीश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतो जामनाय ग्रह कैसा प्रीति है, है? राधे की प्रीति है इसी कहते हैं गोविंद सब कुछ छोड़ करके उन गोपियों के आराधना के द्वारा सदा प्रसन्न हैं इसी हमारे ग्रन्थकार मुनि और गोस्वामी गुरुवर्ग इस महिमा का व्याख्या कीर्तन कर रहे हैं अभी हम लोग काल रागे सुनेंगे तो आज आ, अभी कार्तिक महीना के अंतिम समय आया तो इस समय बहुत साल पहले ये आनंद धाम में गुरु जी ने विग्रह प्रतिष्ठा की और वहाँ उनको दीक्षा दिया और हर साल आके गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाते और यहाँ ही कभी कभी आके सत्संग और बहुत अच्छा गौर लीला कभी कृष्ण लीला सुबह शाम पंद्रह दिन महीना भर कुर्जी रहते और यहीं ये यह सब लीलाएं चलती बहुत सुंदर स्थान तो आज वार्षिक उत्सव है तो अभी सब लोग आ, जाएंगे वहाँ भगवान का वार्षिक उत्सव शोभा यात्रा निकालना है आ, तो शोभा यात्रा आठ साढ़े आठ बजे निकलेगा बस एक घंटा का भ्रमण करके वहाँ ही उन लोग व्यवस्था करते हैं सुबह का नाश्ता दोपहर का महाप्रसाद भोगराग हैं कथा कीर्तन है और गुरु जी की महिमा और गुरु जी की वैशिष्ट वहाँ गुरु जी का भजन कुटीर भी है आज भी है हाँ यही अच्छा सौभाग्य के वृंदावन में सब कुछ तशनष कर दिया किंतु उनके अच्छा शिष्य है योग्य है इसलिए उनका भजन कुटीर नष्ट नहीं किया जैसे कि भजन कुटीर उनका सब कुछ विराजमान है तो अभी आज थोड़ी देर में सब लोग जाकर के गुरु जी के भजन कोटि प्रणाम वनाम करके और ठाकुर जी को लेके शोभा यात्रा करेंगे और करके फिर वहाँ कथा कीर्तन चलेगा यदि किसी की इच्छा है कथा कीर्तन करें और स्वतंत्र है सब हमको तो किसी के ऊपर लगाम नहीं चला सकते ना किसी का पकड़ ही सकते हैं हम अनुरोध प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि जिस सब स्थान गौरवा जिसब स्थान करल भ्रमण रंगी से सब स्थान हेरवा में प्रणय भक्त सत्संगी जहाँ प्रणय भक्त जहाँ जहाँ जिस स्थान में गए वहाँ उनका प्रेम प्रणय वहाँ पर विराजमान है इससे गुरु जी हाँ वहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा से जरूर मनाते वहाँ ही रहते दो तीन दिन इसके अलावा बीच बीच में सत्संग कथा कीर्तन की गुरु जी बोलते थे मैं वृंदावन में एक शांति की जगह है हमारा मठ था उसके पहले रूप सनातन किंतु कंजस्टेड है गुरु जी खुश नहीं होते बोलते थे कहाँ गली कुचड़ों में आ गया फिर गोपीनाथ भवन भी बना बहुत कुछ बना किंतु गुरु जी यहाँ आकर बहुत प्रसन्न होते इससे हम लोग को स्थान भी दिया अपने चरणों के पास में क्यों वो गली कुचरों में भीड़ों में हम लोग को घुसाया नहीं शांति का स्थान दे दिया कथा करो कीर्तन करो दर्शन करो भ्रमण करो कुछ भी करो बच्चे खेले कूदे मस्ती करे तोड़े फोड़े हैं अपना घर है गुरु का दरबार है इसे कोई बाहर जाकर निंदा करता है कंप्लेन करता है तो मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ हमारे घर में बच्चे कुछ भी करें तुम्हें क्या मतलब है तुम्हारे घर में तो उदम नहीं कर रहा है बच्चे अपने घर में क्या नहीं कर सकता तो ब्रह्मचारी का हक है हैं किंतु ये सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इससे ऐसे दुष्ट लोगों को आश्रय देना भी बड़ा मुश्किल है उनको तो ब्रह्मचारी का आश्रम आना भी नहीं चाहिए उनके घर में उनके बाप बच्चे क्या नहीं करते उधम किंतु ब्रह्मचारी ने यदि कुछ इधर उधर कर दी बस चारों तरफ ढिंडोरा पिटते हैं हल्ला करते हैं चारों तरफ बदनामी करके घूमते हैं ऐसे कारपोरेट और क्रिमिनल को भगवान भी सजा देते हैं कैसे पता है जो हम लोग नहीं एक होता है हेल एक होता है हेलिस है हेल प्लांट हैं तो ना जानी कहाँ उनके लिए गति होगी हैं यदि ब्रज में कृष्ण उदम करते हैं हैं तो जशनाथ माता क्या करेगी हैं क्या ब्रज ब्रजदेवैया महाप्रभु उदम कर रहे हैं और सब ब्राह्मण आकर के बोल दिया माँ पिताजी को गजेन्द्रनाथ मिश्र को तुम्हारे बेटा देखो राजकुमार से भी ज़्यादा उदम करने वाला हो गया तो इनको शासन करो नहीं तो बिगड़ जाएगा तो डांडा हाथ में मारने के लिए बोले मारो मत मारना नहीं तो बोले आप लोग स... शिकायत कर रहे हैं बोले मारना नहीं मारने से सुधरता नहीं उसको प्रेम से समझाओ प्यार करना सीखो जिससे कि सुधर जाए जिसको प्यार नहीं मिलता है ना वही उदम करता है, है। देखो ब्राह्मण का हृदय कैसा है सरल है और जगन्नाथ जी से कह रहे हैं मारना पीटना नहीं गाली गलौज करना नहीं बिगड़ जाएगा इतना प्रेम करो इतना समझाओ इतना लड़ लड़ाओ जिससे सदा के लिए भूल जाए और बाहर जाए ही नहीं उदम करे ही नहीं तो बच्चे अपने घर में क्या नहीं करता इससे इन बातों को यदि कोई दुनिया देखता है अरे ये साधु ये क्या हुआ तो आत्मा तो प्रभु का ही नित्य अंश विभिन्न अंश है तो प्रभु के पास में रहेंगे तो झगड़ा भी करेंगे मरेंगे भी लड़ेंगे भी पीटेंगे भी जो कुछ करेंगे और उनका अधिकार है इससे जो कॉल्पोरेट क्रिमिनल कहीं घुस गया घुसपेटी और चारों तरफ घूमते हैं उनका काम ही है भजन तो करेंगे नहीं बदनामी करना ऐसे दुष्टों का शकल देखना तो दूर रहे शायद ये अगले जन्म में उल्लू होकर जन्म लेंगे उनका आंख नहीं रहेगा और दिन में दिखेगा नहीं बैठा रहेगा कोड्रे में और रात भर घूमते रहेंगे पिशाच की तरह इनके ऐसे ही गति होती है आने तो लोमड़ी बनेंगे हुआ हुआ करेंगे हैं और क्या करेंगे इसलिए भाई कहाना करणिंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जीने वे खेले गलतियाँ अच्छा बुराई सबके अंदर है आ, कोई इंसान धोए हुए गंगा जल और दूध से नहीं आ, पवित्र होते हैं मन पवित्र होने में टाइम लगता है यदि सुजोग नहीं मिले आगे बढ़ेगा नहीं स्कूल के बच्चे जाता है एक दिन में ही पीएचडी डिलीट नहीं करता है इसलिए छोटी छुड़ छोटी चीज़ों को देख करके निंदा चर्चा में पड़े रहने वाले व्यक्ति हैं तो, भंग की तरह है खाली गंदगी इकट्ठा करते हैं टोकरी भरते हैं उसको लेकर के फेंकते हैं उनका यही काम हो जाता है चिरकाल के लिए जो एक बार निंदा चुगली करने लग गया उनका जीवन भर यही काम रहेगा यही करेगा भजन रजन नहीं करेगा साधु दर्शन नहीं होगा भक्ति मार्ग में नहीं आ सकता इसे सावधान साधु सावधान फिर कौरिक अवधान तो अभी सब लोग तैयार होके अभी जाएंगे कीर्तन तन करके नगर शुभात्रा करके फिर आएंगे प्रसाद चाहे वहाँ पाओ यहाँ पाओ हमें माना नहीं है क्योंकि आपका स्वतंत्रता है आपका घर है गौर प्रेमानंदी